हेलो स्टूडेंट्स, आज हम भारतीय संविधान के अनुसूची अर्थात शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ये पॉलिटिकल साइंस का और एक मेरा वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना। पहले जानते हैं फर्स्ट शेड्यूल के बारे में। फर्स्ट शेड्यूल कंसिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटोरीज ऑफ इंडिया। इसमें भारत संघ के घटक राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। सेकंड जाते हैं सेकंड शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल में द इट लिस्ट द सैलरीज एंड इम्यूलुमेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स, जजेस, स्पीकर्स। इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति आदि संविधानिक पद पर आसीन लोगों के वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में उल्लेख किया गया है। जानते हैं थर्ड शेड्यूल के बारे में। दिस शेड्यूल लिस्ट द वेरियस फॉर्म्स ऑफ द ओथ फॉर द होल्डर्स ऑफ द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस। इसमें विभिन्न पदाधिकारियों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ के बारे में उल्लेख किया गया है। नाउ कम टू द फोर्थ शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल इज अबाउट एलोकेशन ऑफ द राज्यसभा सीट्स टू द स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरीज। इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघ के क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। फिफ्थ शेड्यूल में इट डील्स विथ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। सिक्स्थ शेड्यूल में हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। नाउ कम टू द सेवेंथ शेड्यूल। इट कंप्राइजेस ऑफ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा के बारे में दिया गया है। इसके अंतर्गत तीन सूचियाँ, इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। नाउ कम टू द 18th शेड्यूल। दिस शेड्यूल लिस्ट 22 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। नाउ कम टू द 9th शेड्यूल। दिस शेड्यूल डील्स विद द लैंड एंड द टेन्योर रिफॉर्म्स एंड एवोल्यूशन ऑफ द जमींदार सिस्टम। 9th शेड्यूल में जमींदारी सिस्टम का एवोल्यूशन, हटाया जाना और लैंड रिफॉर्म के बारे में ज़्यादातर बताया गया है। जानते हैं 10th शेड्यूल के बारे में। 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन प्रोविजन फॉर द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स के बारे में बताया गया है। ये संविधान में 52 संविधान संशोधन जो 1985 में हुआ था, इसमें संविधान में जोड़ा गया है। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान के बारे में उल्लेख किया गया है। अब जानते हैं 11th शेड्यूल के बारे में। इट वॉज एडेड बाई 73rd अमेंडमेंट्स एंड हैज लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स अंडर द पंचायत राज। ये अनुसूची संविधान के 73वें संविधानिक संशोधन जो कि 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें पंचायत राज संस्थाओं का कार्य करने के लिए 29 विषयों का बारे में उल्लेख किया गया है। हम जानते हैं अभी 12th शेड्यूल के बारे में। इट वॉज एडेड बाई 74 अमेंडमेंट्स एंड एनलिस्ट द सब्जेक्ट अंडर द म्यूनिसपैलिटीज और अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स। यह अनुसूचित संविधान में 74 संविधान संशोधन जो कि 1993 के द्वारा जुड़ी गई है। इसमें शहरी क्षेत्र के स्थानीय प्रशासन स्वशासन संस्थाओं के कार्य करने के लिए अलग अलग विषय प्रदान किया गया है। इसके लिए मैं बहुत एक आसान सा ट्रिक बनाया हूँ। वो ट्रिक है शॉर्ट ऑल जापान मुंशी। शॉर्ट ऑल जापान मुंशी एस पर पहला शेड्यूल, दैट मीन्स एस पर स्टेट, देन सेकेंड एस पर सेकेंड शेड्यूल, दैट इज फॉर द सैलरी फॉर ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट
एट्सेट्रा। नाउ वो बिलोंग्स टू द थर्ड शेड्यूल, इट सेज दैट अबाउट द ओथ, दैट मीन्स शपथ के बारे में वो बताता है। नाउ कम टू द फोर कंसिस्ट ऑफ द सॉरी आर आर नाउ कम टू द आर आर कंसिस्ट ऑफ द फोर्थ शेड्यूल, इट मीन्स द राज्यसभा मेंबर्स। राज्यसभा मेंबर कैसे अलग अलग राज्यों को कितने संख्या दिया गया उसके बारे में बताता है। नाउ कम टू द टी इज फॉर द ट्राइबल, फिफ्थ शेड्यूल में हमने देखा है ट्राइबल के बारे में, ट्राइबल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है। नाउ कम टू द ऑल इट्स ए फर्स्ट लेटर इज ए मीन्स ए टी एम, आप याद रख सकते हैं ए पर आसाम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम, ये सिक्स शेड्यूल में जाते हैं। नेता उसके बाद एल आता है, एल फॉर लिस्ट होता है जो कि सेवन शेड्यूल में जाता है। उसके बाद देखिए और एक एल बचा हुआ है जो कि हम लैंग्वेज मान सकते हैं जो कि एट शेड्यूल में आता है। आप देखिए उसका जा लिखा है जेड, जा मीन्स जेड फॉर नाइन शेड्यूल विच इज कॉल्ड द जमींदारी सिस्टम। देन ए फॉर द एंटी डिफेक्शन लॉ। दस में देखेंगे आप लिखा गया पी एन कैपिटल लेटर देखेंगे पी पंचायती राज, एंड इलेवन जो है पंचायती राज जो है इलेवन शेड्यूल का है, और जो मुंशी लिखा है वो मुंशी जो है वो ट्वेल्थ शेड्यूल का है, इसका मतलब है म्यूनिसिपालिटीज। इसी तरह आसानी से आप याद रख सकते हैं, आप स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा होगा और भी फार्मूला है, अगर आपको वो फार्मूला सीखना है सीख लीजिए। परंतु शॉर्ट ऑल जापान मुंशी, तो ये बहुत आसान तरीका है जिससे आपको पूरा को 10-15 मिनट में। अभी हम कुछ क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। आंसर है इसका फोर्थ शेड्यूल। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर टू, दिस इज व्हिच शेड्यूल कंटेंस प्रोविजंस एज द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एमपी एंड एमएलएस ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। दिस इज एज वी नो दिस इज द 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ। Now question number third, how many schedules are there in the Indian Constitution? It is very easy question, this is answer is C, that is 12. Now question number four, that's 8th schedule of the Indian Constitution deals with what? That is official languages, 22 official languages, so the answer is D. Then come to the forms and oath or affirmation are contained in which schedule? Question number 5, this is the answer is this is the third schedule. Now the question number 6, which of the following schedule is not matched correctly? Third schedule, forms of oath and or affirmation, this is right. Fourth schedule, this is a provision as to the president and the governors of the state, and this is I think wrong. Seventh schedule, union state and concurrent list, is right. And fourth schedule, this is municipalities, it is also right. So thank you very much my students. If you need more and more videos like this with trick and with questions, then I will provide in more and more videos to you. Please subscribe it. Thank you.